वहीं सीहोर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र के खाने में इल्लियां निकलने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला बुदने के वार्ड क्रमांक 12 के आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां बांटे जाने वाले बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां पाई गई है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो बुदने की आंगनबाड़ियों में पौष्टिक नाश्ता और मीनू के आधार पर बच्चों को खाना तो परोसा जा रहा है, लेकिन जो नन्हे मुन्ने बच्चों को भोजन दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी गुणवत्ताहीन दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों के खाने में इल्लियां और कीड़े निकल रहे हैं। वहीं नगर वासियों का कहना है कि बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन बांटकर नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी। जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे यही पता लगा है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे काल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने भोजन में कोई सुधार नहीं किया है। और आज आपके द्वारा आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा कि आज फिर इडलियाँ पाई गई, चावल की क्वालिटी बहुत घटिया पाई गई, रोटी बहुत गंदी तरीके से बनाई गई, और जो खाना देने जाता है वो आदमी ऐसा लगता है कि 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। तो मैं इस समूह को कार्यकर्ता और सचिव को बुला करके सोमवार को मीटिंग करके उनसे और उनके बैंक खाते पर भी मेरे द्वारा रोक लगा दी गई है, और मैं समूह को समाप्त करके कोई नवीन समूह द्वारा इसमें सुधार के प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 8 दिन में मैं इसमें पूर्ण रूप से सुधार कर, ये बात सही है, मुझे सोमवार को ही पता लगा है, मैंने इस पर एक्शन भी लिया है। उन कार्यकर्ता जो अध्यक्ष हैं समूह की वो और सचिव से मैंने इस बारे में